नमस्कार दोस्तों, हम लोग एमबीएस टीजीटी साइंस 2019 का पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें से कुल 30 प्रश्नों को फुल डिटेल के साथ हल कर चुके हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस सर्टेन अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है एनर्जी एट द रेट ऑफ 1200 जूल पर मिनट। तो ये पूछ रहा है, दिस इज सेम एज सेइंग दैट अप्लायंस कंज्यूम, चूंकि हम जानते हैं हमको दिया क्या गया है, दिया गया है रेट दिया गया है जो है इक्वल टू 1200 जूल पर मिनट। हम जानते हैं कि ये जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक है, मतलब हमको रेट में जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है W/T की, और हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो किया गया कार्य पर सेकंड होता है, इसे ही हम पावर कहते हैं। तो P=W/T हमको दिया क्या गया है, W/T की वैल्यू दी गई है जो जूल पर मिनट में है। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो P=20 हो जाएगा 20 जूल पर सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं 20 वॉट। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ, अप्लायंस कंज्यूम करेगा 20 वॉट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है नेचुरल किलर सेल क्या होती हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो नेचुरल किलर सेल होती हैं, ये टाइप होती हैं WBC का, और ये होती है ग्रैन्यूलर लिम्फोसाइट्स। ये टाइप किसकी होती हैं? WBC का, और ये ग्रैन्यूलर लिम्फोसाइट होती हैं जिनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में अगेंस्ट द वायरस। नेचुरल किलर सेल एक ऐसी सेल होती हैं जो किल करती हैं ट्यूमर सेल को, और सेल जो इन्फेक्ट होती हैं विद वायरस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज बाय इम्यूनाइजेशन, ये रॉन्ग है। इसका दूसरा ऑप्शन है साइटोटॉक्सिक सी सेल होती हैं, ये भी रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन है बी सेल दैट कैन किल विदाउट कंप्लीमेंट, ये भी रॉन्ग है। चौथा ऑप्शन है एबल टू किल वायरस इन्फेक्टेड सेल विदाउट प्रायर सैनिटाइजेशन। अभी हमने बताया कि नेचुरल किलर सेल जो होती हैं वो किल करती हैं ट्यूमर सेल को, या सेल जो इन्फेक्टेड होते हैं विद द वायरस। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए बेगिंग स्केल इन एन एलिवेटर कार इफ स्केल रीड ए वैल्यू लोअर देन द वेट ऑफ द मैन एट द रेस्ट। तो ये पूछ रहा है एलिवेटर कार कुड बी मूविंग, तो एलिवेटर कार किस रेट से मूव करेगी। अब हम इस प्रश्न को हिंदी में समझाते हैं, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो लिफ्ट कार में वजनी पैमाने पर खड़ा है, स्टैंडिंग खड़ा है। अगर पैमाना विरामावस्था पर व्यक्ति के वजन से कम रीडिंग देता है, तो ये पूछ रहा है कार चल सकती है किस स्पीड से। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो कोई लिफ्ट है और वो चाहे अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए या कांस्टेंट स्टेट में रहे, तो अपरेंट वेट ऑफ पर्सन क्या होगा। मान लो ये कोई लिफ्ट है जिसमें एक पर्सन है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है विद द एक्सीलरेशन ए, तो इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं
आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। जब लिफ्ट एक्सीलरेबल कब है, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड। अब इसमें जो दूसरी सिचुएशन आती है कि मान लो ये लिफ्ट है, इसमें एक पर्सन है और लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है डाउनवर्ड, तो ये इसका वेट हो गया ये नॉर्मल रिएक्शन। तो चूंकि ये एक्सीलरेट कर रही है डाउनवर्ड, तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस ए, जब वो एक्सीलरेट लिफ्ट एक्सीलरेट करेगी डाउनवर्ड। और तीसरी कंडीशन इसमें क्या मान सकते हैं, मान लो लिफ्ट है वो, उसमें एक पर्सन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो ऊपर जा रहा है या नीचे, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट रेस्ट में है। तो इसका मतलब है कि उस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो जीरो है। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, चूंकि एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो अपरेंट वेट जो पर्सन का हो जाएगा वो उसके एक्चुअल, ये अपरेंट वेट होता है, ये इसके एक्चुअल वेट के बराबर हो जाएगा। चूंकि अभी ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पैमाना विरामा अवस्था में है और व्यक्ति के वजन से कम रीडिंग देता है, तो मान लो ये इसका अपरेंट वेट हुआ और कम रीडिंग देगा, तो ये कंडीशन सेकंड में फिट बैठेगा। चूंकि लिफ्ट इसमें कांस्टेंट, इसमें ये रेस्ट पे है पर्सन, बोल रहा है पर्सन इज रेस्ट, एट द रेस्ट, मतलब वो उसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसमें एक्सीलरेशन डाउनवर्ड दिखा रहा है। जो बट ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैन एट द रेस्ट है, तो अपरेंट वेट जो होगा पर्सन का वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेगा एट कांस्टेंट रेट, मतलब जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो डाउनवर्ड होगी एट कांस्टेंट स्पीड। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ, डाउनवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ ए फेस क्या अलाउ करता है। चूंकि हम जानते हैं जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया इंसर्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर। मान लो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है। इस टाइम दो साइकिल चलती हैं, एक होती है लाइटिक साइकिल जिसे वायरुलेंट फेज कहते हैं, दूसरी जो साइकिल होती है वो लाइसोजेनिक साइकिल होती है। जो ये लाइटिक साइकिल होती है उसी का जस्ट रिवर्स लाइसोजेनिक साइकिल में होता है। लाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइसिस हो जाती है इन्फेक्टेड सेल का और वायरल डीएनए जो होता है इसमें इंटग्रेट नहीं करता है होस्ट सेल डीएनए से। इस साइकिल के पास कोई प्रोफेज नहीं होती है, प्रोफेज स्टेज, और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है होस्ट डीएनए रेप्लिकेशन से। सेल जब इसमें अभी बताया कि लाइसिस हो जाती है तो ये रिलीज करती है वायरल पार्टिकल को, और ये नॉट फॉलो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद होस्ट बैक्टीरिया। अब लाइसोजेनिक साइकिल में जस्ट रिवर्स होता है, इसमें जो होता है वो वायरल डीएनए जो होता है, अभी बताया इसमें वायरल डीएनए इंटग्रेट नहीं करता होस्ट सेल डीएनए से, लेकिन इसमें वायरल डीएनए इंटग्रेट करता है होस्ट सेल डीएनए से। इसमें नॉट द लाइसिस ऑफ इन्फेक्टेड सेल।
दोस्तों आप लोगों को लाइटिक सेल के बारे में पूरा पता है तो लाइसोजेनिक साइकिल में उसका आप जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो हम इसके ऑप्शन को देखते हैं, इंटग्रेशन ऑफ फेज डीएनए विद डिस्ट्रॉइंग ऑफ द होस्ट, ये रॉन्ग ऑप्शन हुआ। रेप्लिकेशन ऑफ फेज जीनोम विद डिस्ट्रॉइंग ऑफ द होस्ट, ये भी रॉन्ग हुआ। इंटग्रेटेड ऑफ फेज जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर ऑफ C5H10 आर द पॉसिबल, ये पूछ रहा है कि C5H10 के कितने साइक्लिक आइसोमर होंगे। ये फार्मूला जो दिया C5H10, ये पेंटीन है, ये एक तरह का एल्कीन है, ये फॉलो करता है CnH2n रूल को। अगर यही एल्केन होता तो ये फॉलो करता है CnH2n प्लस टू रूल को, अगर यही एल्काइन होता तो CnH2n माइनस टू रूल को फॉलो करता। अब ये पूछ रहा है कि पेंटीन के कितने साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल हैं, इसकी या इसके स्ट्रक्चर को आप साइक्लिक तरीके से कितने डिफरेंट टाइप से बना सकते हो। तो हम इसको दोस्तों एक इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये दोनों मेथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पर लगा सकते हैं, इसको हम एक इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका और कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये मेथिल ग्रुप इधर से लगाते हैं तो भी वही सेम स्ट्रक्चर बनेगी। आप पॉसिबिलिटीज की सोच के देखिए, इसके अलावा और इसका कोई भी पॉसिबल आइसोमर नहीं है। अब हम इसका नाम जान लेते हैं, इसका नाम ये साइक्लोपेंटेन है, ये मिथाइल, ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। जो कंपाउंड साइक्लिक होता है उनके नाम में साइक्लिक जरूर लगता है। ये दोनों मेथिल ग्रुप हैं, तो 1,2-डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, और ये इसमें एक ही कार्बन पे दोनों मेथिल ग्रुप है, तो ये 1,1-डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसके कितने साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल हैं, 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकिल सेल एनीमिया क्या होती है। चूंकि हम जानते हैं सिकिल सेल एनीमिया जो होता है वो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रैट है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रैट है जो ट्रांसमिटेड होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जब दोनों पार्टनर क्या हो, कैरियर हो फॉर द जीन। मतलब ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रैट है, ट्रांसमिटेड होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब दोनों पार्टनर कैरियर हो जीन के लिए। इसमें क्या होता है, जो केवल होमोजाइगस इंडिविजुअल हैं, होमोजाइगस इंडिविजुअल वही डिजीज फिनोटाइप को शो करेंगे, HBS, HBS ये होमोजाइगस इंडिविजुअल यही केवल डिजीज फिनोटाइप को शो करेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कॉज्ड बाई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड्स का वैलीन के द्वारा एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। मतलब इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का वैलीन के द्वारा एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बना, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन में चला जाता है अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, जिसकी वजह से जो शेप होता है आरबीसी का वो बाई कॉनकेव शेप जो होता है आरबीसी का वो इलांगेटेड सिकल सेल लाइक हो जाता है। अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बैलिन इज रिप्लेस बाय ग्लूटामिक एसिड, नहीं ये रॉन्ग हुआ। का दूसरा ऑप्शन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट।
अब हम समझ लेते हैं कि आइडोफोम टेस्ट होता क्या है। ये यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए अल्कोहल और कीटोन को, लेकिन उसमें होने क्या चाहिए पॉसिबिलिटी, अल्कोहल के पास जो ग्रुप होना चाहिए वो होना चाहिए CH3CHOH, मान लो इससे लगा हुआ कोई भी ग्रुप है। कीटोन के पास क्या ग्रुप कंपलसरी होने ही चाहिए, CH3CO, और इससे अटैच ये ग्रुप। तो ये आइडोफॉर्म हेलोजन से प्रेजेंस ऑफ एल्केली पे क्रिया करके बनाता है CHX3 का येलो प्रेसिपिटेट, और ये ग्रुप के साथ ये अलग हो जाता है ऑक्सिलेट, ये ग्रुप के साथ अलग हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे किसके पास ऐसा ग्रुप पाया जा रहा है, किस अल्कोहल के पास ये वाला ग्रुप पाया जा रहा है। अगर मान लो हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये हो जाएगा CH3CH3CH3OH। तो इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि CH3CHOH होना चाहिए, ऐसा है नहीं। CH3CH यहाँ H होता तो ये सही हो जाता। ये नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल ये भी नहीं है। अब इसके फॉर्मूले को हम लिखेंगे तो CH3CH3OH। तो आप देख रहे होंगे इसमें थर्ड ऑप्शन में CH3CHOH ये वाला ग्रुप पाया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट शो करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिप ऑफ द वाई क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज, जो टिप है वाई क्रोमोसोम का उसको और क्या कहते हैं। थोड़ा सा बच्चों दोस्तों क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। मतलब क्रोमोसोम जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है वन जनरेशन से एन अदर जनरेशन से। ये कंपोज्ड किसका होता है क्रोमोसोम? डीएनए एंड सम प्रोटीन का, जिसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। ह्यूमन का जो जीनोटाइप होता है उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, और वन पेयर जो क्रोमोसोम का होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये दो टाइप का होता है एक्स और वाई। जो वाई क्रोमोसोम होता है वो शॉर्टर होता है एक्स क्रोमोसोम से। जो वाई क्रोमोसोम है वो रिकम्बाइन करता है एक्स क्रोमोसोम से, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम का टीलोमेरिक पार्ट होता है, टीलोमेरिक पार्ट वो कंबाइन नहीं करता है एक्स क्रोमोसोम से, जिसे कहते हैं नॉन रिकम्बाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। जो टिप है वाई क्रोमोसोम का टीलोमेरिक पार्ट पे वो कंबाइन नहीं करता है एक्स क्रोमोसोम से, इसे कहते हैं स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। तो हम अब इसके ऑप्शन को चेक करते हैं, नॉन रिकम्बाइनिंग पोर्शन, स्यूडो ऑटोसोमल रिपीट्स या मिनी सैटेलाइट, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ, टिप ऑफ वाई क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकेंड परमानेंट मोलर अपीयर होता है किस एज पे? क्योंकि हम जानते हैं जो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2123 होता है, जिसमें ये इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, ये मोलर हो गया। टोटल 12 मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी में, 12 मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी में। जो फर्स्ट मोलर होता है वो इरप्ट होता है एट द एज ऑफ 9 to 11 ईयर, और जो सेकेंड मोलर होता है वो इरप्ट होता है एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। लेकिन जो थर्ड मोलर होता है जिसे विजडम टीथ कहते हैं, ये इरप्ट होता है एडल्टहुड स्टेज में और कॉज करता है सम डिस्कम्फर्ट।
तो हमसे ये पूछ रहा है सेकंड मोलर टीथ कब अपियर होता है। अभी हमने 12 से 14 साल पे, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ, 12 ईयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सपोज दैट माइक्रोस्कोप हैव ऑब्जेक्टिव हुज फोकल लेंथ इज 1 mm एंड आई पीस हुज फोकल लेंथ इज 25 mm। हमको दिया गया है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1 mm और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 25 mm। तो पूछ रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, चूंकि हम जानते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ द ट्यूब इनटू डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ये है लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इनटू आई पीस का फोकल लेंथ। अब हम मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट, हमको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये हम ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर मान लेंगे, लेकिन हमको लेंथ ऑफ द ट्यूब नहीं दिया हुआ है। तो हम इसमें कह सकते हैं वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अपने 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।